हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश और ये मेरा चैनल है दिनेश क्रिप्टो करेंसी इंडिया। इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आप बाइनेंस पे डिपॉजिट, विड्रॉ या फिर बाय सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके साथ आपको ये भी बताया है कि आपको अगर कोई और दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो आप वो कहाँ से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने टाइमलाइन में आपको सब चीज के बारे में जानकारी दी है कि मैंने किस टाइम पे बाय का बताया, किस टाइम पे सेल का बताया, किस टाइम पे विड्रॉ करने का बताया और किस टाइम पे आपको डिपॉजिट करने का बताया है। तो कृपया एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर देख लें। ये वीडियो मैंने बनाई है, इस वीडियो का मेन मकसद है मैं आपको बताऊं कि बाइनेंस पे हम कैसे डिपॉजिट, विड्रॉ, बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कमेंट्स में किसी पूजा शर्मा ने कि बाइनेंस पे विड्रॉ एंड सेल कैसे करें, एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। तो चलिए पूजा जी, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, आप बाइनेंस पे जाएं। ठीक है, बाइनेंस पे जैसे ही जाएंगे, बाइनेंस पे जाके आपको क्या करना है, अगर आपको कोई चीज सेल करनी है, जैसे कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं स्टेलर लुमन्स सेल करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके आगे ट्रेड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जिसका भी आपको ट्रेड करना है, जिसके लिए ट्रेड करना है, जैसे मेरे को इथेरियम के द्वारा इसके ट्रेड करना है। ठीक है, अब मैं इथेरियम के रेस्पेक्ट में इसे बेचूंगा। मैंने जब क्लिक कर दिया तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सेल करना है। कितना सेल करना है वो डिपेंड करता है, मिनिमम आपको 0.01 सेल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इधर लिख दूं 10, तो इतना अगर मैं सेल करना चाहूँ तो नहीं सेल होगा, क्योंकि इसका जो टोटल कॉस्टिंग है वो इतनी है, जब जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो 0.01 है। तो अगर मैं 50 करूंगा तो हो जाएगा, और 25 करूंगा तब भी हो जाएगा। तो मैंने सेल क्लिक कर दिया, सक्सीड हो गया, यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में आ गया। ओपन ऑर्डर्स का मतलब क्या है, मैंने इसे कितने प्राइस पे सेल करना चाहा, 4900 पे, और इसका अभी करंट प्राइस क्या चलने लग गया, 49 इतना पे। जब ये दोनों प्राइस मैच हो जाएगा तब हमारा सेल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो मेरा ऑर्डर है वो तो सेल नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्राइस डाउन हो गया अचानक से ही। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, या तो ऐसे ही छोड़ दें, जब इस प्राइस पे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं मेरे को अभी बेचना है, तो इसे कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करके वापस जाइए, यहाँ पे डालिए। ठीक है, और ये जो इस समय करंट दाम चल रहा है वो दिखा देगा। अब आपको क्या करना है, मेरे को 25 बेचना था, मैंने 25 लिखा, क्लिक किया सेल, और यहां से डायरेक्ट सेल हो गया। अब आपको दिखेगा कि हमारे ऑर्डर में मैंने अभी रिसेंटली 25 सेल किए हैं और वो सेल हो चुके हैं, अब इथेरियम में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कि इथेरियम से आप कोई भी कॉइन कैसे खरीद सकते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर मैं कोई कॉइन खरीदना चाहता हूँ, जैसे कोई भी कॉइन ले लेते हैं, जैसे सबसे जो गिरा हुआ कॉइन है अभी फिलहाल दाम में, वो ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए जो मोस्ट बिटकॉइन डायमंड $87 बहुत ज़्यादा गिर गया, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चढ़ा था। चलिए कोई नहीं, INS खरीद लेते हैं, ये नया अभी लिस्ट हुआ है। ठीक है, 1.83 है। अब खरीदने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको अमाउंट डाल देना है, कितना खरीदना है वो दिखा देगा कि मिनिमम खरीदने की भी लिमिट है, 0.01 आप खरीद सकते हैं। ठीक है, बाय पे क्लिक किया, इन्होंने दिखा दिया कि मस्ट बी एटलीस्ट 0.02। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको बस क्लिक कर देना है और उसे बाय कर लेना है। यहाँ पे तो बाय नहीं हो पाया क्योंकि मेरा अमाउंट बहुत कम है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाय का आपको पता ही चल गया कि आपको यहाँ पे बस लिखना है, अगर ये 0.02 हो जाते तो तुरंत बाय हो जाएगा, वरना आप आगे बढ़ जाइए। अब आपको बताता हूँ कि विड्रॉ कैसे करना है। तो विड्रॉ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस वहां पे अपने फंड्स में जाना है। फंड्स में जाने के बाद आप देखेंगे कि फंड्स के सामने विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। तो जनरली मैं तो विड्रॉ कॉइनएक्स अकाउंट पे कर रहा हूँ या दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बाइनेंस से कॉइनएक्स पे कर दूँ, बाइनेक्स से क्यूकॉइन पे कर दूँ, बाइनेक्स से कॉइनस्पॉट पे कर दूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी जगह अकाउंट क्यों बना रखा है, सबका अलग अलग पर्पज है। क्यूकॉइन पे मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं KCS, राइब्लॉक्स खरीद सकूँ। ठीक है,
और कॉइन स्पॉट पे इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को सिया कॉइन और बाइटकॉइन खरीद बाइट सिया कॉइन बाइटकॉइन और गोलम खरीदना था, इसलिए मैंने तीनों जगह अकाउंट बना रखे हैं। अगर आपको भी गोलम बाइटकॉइन सिया कॉइन या फिर कुछ और खरीदना है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए, आप उससे रजिस्टर करके बाय कर सकते हैं। उसमें केवाईसी का कोई प्रोसेस नहीं है, आपको बस रजिस्टर करना है, ठीक है, और बीटीसी उधर ट्रांसफर करके बीटीसी इथेरियम लिटकॉइन या रिपल उस तरफ ट्रांसफर करके और वहां से खरीद लेना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं जो ट्रांसफर करना चाहता हूँ कॉइनएक्स वॉलेट में करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं कॉइनएक्स वॉलेट में करना चाहता हूँ तो मैं किस फॉर्म में ट्रांसफर करूंगा, तो रिपल में मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि रिपल बहुत सस्ता पड़ता है, मतलब उसकी ट्रांजेक्शन फीस बहुत कम है। तो हमें क्या करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो दो ऑप्शन में पहला तो होगा जो रिपल का एड्रेस होगा जो हमारा स्पेसिफिक होगा। अब हमें क्या करना है, हमें रिपल पे जाना है। फिलहाल तो मेरे पास एक भी रिपल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली विड्रॉ किया था रिपल, ठीक है। ये बस डेमो पर्पज के लिए आपको दिखा देता हूँ। आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, ध्यान दीजिएगा एक बार उसे दोबारा कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। अब दोबारा कंफर्म करने का मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अब वापस से आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, कंट्रोल एफ दबा दीजिए फाइंड का ऑप्शन और कंट्रोल वी कर दीजिए। अगर आपका एग्जैक्ट एड्रेस मैच होगा तो मतलब कि आपने एड्रेस एकदम सही डाला है। अब आप क्या कीजिए, टैग, तो एक डेस्टिनेशन टैग होता है, ये बहुत जरूरी है, आप ध्यान रखिए बिना टैग के आपका पैसा नहीं आएगा। अब ये टैग पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट या कितना भी अमाउंट जो आप निकालना चाहते हो वो निकाल दीजिए। अभी तो मेरे पास 0.0 है लेकिन मिनिमम अमाउंट जो है वो 22 रिपल है, मतलब 22 रिपल आप निकाल सकते हो, 22 लिख दीजिए और यहाँ पे वो दिखा देगा इतने ट्रांजेक्शन में, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद वो आपको 2FA ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा, वो गूगल ऑथेंटिकेशन कोड डाल दीजिए, दैट्स इट बस, और वो आपका कॉइनएक्स उसमें आ जाएगा। अभी अगर हम देखें, मैंने रिसेंटली डाला था, तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने योर रिपल वॉलेट हैज बीन क्रेडिट, मैंने 71 XRP डाले थे, ठीक है, और डाले थे। मैं बाइनेंस का भी वो दिखा देता हूँ हिस्ट्री, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर आप देखो तो अभी रिसेंटली विदड्रॉ किया था मैंने XRP 71 XRP निकाले थे 15/1 को, ठीक है। तो विदड्रॉ करने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि एड्रेस एकदम सही होना चाहिए वरना ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया कि बाइनेंस पे हम कैसे कोई भी कॉइन खरीदें बेचें, विड्रॉ डिपॉजिट की भी कोई दिक्कत है तो आप डिपॉजिट विड्रॉल्स पे जाइए, ठीक है। आपको जो डिपॉजिट करना है, जहां से डिपॉजिट करना है, आप क्या कीजिए, बस जैसे कि मेरे को अगर मान के चले स्टेलर डोमिनेंस डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इस पे ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। जैसे डिपॉजिट में क्या होता है, एक मेमो मिलता है आपको और वॉलेट का एड्रेस मिलता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही डालने होते हैं जहां से आपको निकाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख ले, यहाँ पे हमारे पास SLM का एक एड्रेस है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से XLM निकालना, अभी तो फिलहाल 0.01 है, अभी रिसेंटली मैंने इसमें से विड्रॉ किए थे 150 स्टेलर कुछ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अमाउंट डालना है, कितना आपको निकालना है, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। मिनिमम 20 STR इसमें लिखा हुआ है कि इतना निकाल सकते हो, तो 20.01 कर देते हैं, ठीक है। पेमेंट का एड्रेस डाल देते हैं जो एड्रेस हमने वहां से कॉपी किया था, और मेमो टैग डाल देते हैं, मेमो टैग जैसे कि यहां से, ठीक है, यहां से पेस्ट किया और सेंड पे क्लिक कर दिया। जैसे सेंड कर दोगे सेंड हो जाएगा। अभी देख लो, अभी रिसेंटली मैंने आज ही मैंने ट्रांसफर किए थे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन टाइम है तो इस पर ज्यादा चिंता ना करें, ठीक है। ये अभी रिसेंटली मैंने ट्रांसफर किए थे 50 और 150 XLM, ठीक है। तो ये हो गया कि बाइनेंस पे डिपॉजिट कैसे करें। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि तीनों कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अगर आपको गोलम या फिर कुछ भी आपको दूसरी करेंसी क्रिप्टो करेंसीज खरीदनी है तो आप कॉइन स्पॉट या फिर कुकॉइन से भी खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे रजिस्टर कीजिए, खरीदिए, खुश रहिए। चलिए, थैंक यू।